हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y35 Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो किस में आ रही है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। देखिए, अगर आपका मोबाइल डेटा में अगर आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके अपने जो इंटरनेट का रिचार्ज आपने कराया था वो आपको चेक करना है, कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, मोबाइल फ़ोन का डेटा का रिचार्ज जो है ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर आपके वाईफाई के कनेक्शन में अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वाईफाई के आइकन के नीचे देखना है कि यहाँ पर जो है नो इंटरनेट अगर लिखा हुआ है, तो आपका जो है ना थोड़ी देर बाद जो है इंटरनेट चालू हो जाएगा। अगर ये आपका नो इंटरनेट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और आपके मोबाइल डेटा में जो रिचार्ज है वो पूरा है, तो आपको करना क्या है, आपको मैं कुछ प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को सबसे पहले रीसेट करना है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे फोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फोन को नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कैसे करना है, इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आप तीन ऑप्शन दिखते हैं, वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ, ठीक है। तो तीनों हमारे फोन की नेटवर्क सेटिंग है, आपको नीचे की साइड से रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड से रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपकी जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अब मोबाइल फोन रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन की साइड में ना ये पावर बटन होता है, पावर बटन को उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको है ना रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलेगा, रीस्टार्ट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारे मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। तो आपका APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है। देखिए, रीसेट आपको तभी करना है जब आपको जरूरत लगे, तभी रीसेट करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है ना। तो देखिए, रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपको रीसेट करने से पहले ना दो ध्यान रखनी है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, वो सारा का सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जो जीमेल आईडी होती है और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस यूज करिए, आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी इंटरनेट की समस्या खत्म नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए अगर आपका जो है ना मोबाइल डेटा का अगर इंटरनेट फिर भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं चल रहा है, तो आपको करना क्या, आपका जो सिम जिस कंपनी का आपने सिम ले रखा है ना, उस कंपनी के कस्टमर केयर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वाईफाई का कनेक्शन का इंटरनेट फिर भी नहीं चल रहा है, तो आपने जिस कंपनी का सर्विस ले रखा है ना वाईफाई का, उस कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर को आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है, कस्टमर केयर या सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना, अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो